सो फोक्स, जिस बाइक की वजह से मेरा सैनर इतना ग्रो हुआ, उस बाइक का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो चुका है। कुछ क्लिप्स हैं मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो पहले तुम सब वो क्लिप्स देखो और उसके बाद बाकी की बातें हम करते हैं इस वीडियो में। सो ये रहा वो प्लेस जहाँ भाई लोगों का एक्सीडेंट हुआ। तो वो लोग थोड़ा सा रश चला रहे थे और रात के 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ उन दोनों का। तो जुगनू बाइक नहीं चला रहा था, उसका एक साथी बाइक चला रहा था। तो जुगनू ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उसको कुछ ज़्यादा ही चोटें आई। तो देख ही सकते हो ये पोस्ट भी गिर ही गया था, मतलब करंट का पोस्ट, और यहाँ सब जगह खून ही खून है। तो गांव वाले बोल रहे हैं कि वो लोग लगभग 100+ की स्पीड से आके टकराया, मतलब कुछ रेस वगैरह कर रहे थे शायद। तो ब्लेम किसी को नहीं देंगे, जिसका जो होना होता है तो वो होता ही है। और ये रहा बाइक का भी बहुत सारा खर्चे आएंगे अभी, लगभग 40-50 हज़ार तक। दोनों शॉकर जा चुके हैं, सेसिस भी बैंड हो चुका है, तो हेडलाइट जा चुका है, मीटर कंसोल, ABS भी काम नहीं कर रहा है अभी। तो एक्सीडेंट हुआ रात के 12:30 बजे और हमने सुबह 6 बजे जाके बाइक वहाँ से ले आया। गांव वाले मना कर रहे थे, बाइक नहीं देने वाले थे वो लोग जब तक करंट नहीं आएगा गाँव पर हमने जैसे तैसे मना के हमने बाइक ले आया घर पर। और भाई का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब था उस दिन, और उसको जल्दी से हॉस्पिटल पे एडमिट कर दिया उनके पेरेंट्स और दोस्तों ने। तो अभी भाई थोड़ा सा ठीक हुए हैं, तो उसकी परमिशन लेके मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये देख सकते हो बाइक कैसे चलाना पड़ रहा था उस दिन, सेसिस वगैरह सब बैन हो गया, शॉकर वगैरह सब ख़त्म, ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। सो प्रे करते हैं कि भाई जल्दी ठीक हो जाए और उसका बाइक भी जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसी होके रखिए उसका बाइक अभी, तो कुछ दिन के बाद वो इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या। तो प्रे करेंगे भाई जल्दी से ठीक हो जाए और उसका बाइक भी। तो तुम सब भी अपना ध्यान रखा करो, रेस्ट साइड जितना हो सके मत ही क्या करो, और एक अच्छी सेफ जगह पे अगर आप बाइक स्पीड चला रहे तो कुछ नहीं, पर गाँव वगैरह और ज़्यादा ट्रैफिक एरिया में बाइक स्पीड मत चलाया करो। मैं तो करता ही नहीं रेस्ट राइड। तो स्टे सेफ, स्टे ट्यून फॉर More videos guys and pray for bye unil medu medu vaga payanangal pole todangidava tu